आज मैं जा रही हूँ, जैसे आप लोगों का बाल झड़ रहा है, टूट रहा है, तो ये चीज़ मैं लेके आई हूँ। पहले पिछले वीडियो में मैं बना के दिखाई थी, तो फिर मैं दिखा रही हूँ बना के किस तरीके से आप लोगों का बाल झड़ना टूटना बंद हो जाएगा। और बाल जो झड़ गया है, टूट गया है, तो वो तेज़ी से बाल आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कमेंट में पूछते हैं अच्छी तरीके से बताने के लिए, तो वो भी मैं बता रही हूँ किससे कितना लगाना है, कैसे लगाना है, वो भी बताऊँगी। तो फ्रेंड ये चीज़ इस्तेमाल करिएगा और मुझे बताइएगा, हफ्ते में 2 बार 3 बार इस तरीके से आप लगाइए, देखिए आपका बाल जो झड़ रहा है, टूट रहा है, वो आना स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट। और ये देख लीजिए इसे कैसे बनाना है। तो ये देखिए प्याज है और ये अदरक है, तो मैं पहले प्याज को इस तरीके से काट लूँगी, छीन लेती हूँ मैं। फ्रेंड इसमें सिर्फ इसमें लगाने से आपका बाल का जितना स्कैल्प है, तो छोटे छोटे बाल आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो बाल झड़ रहा है, टूट रहा है, वो भी आना स्टार्ट हो जाएगा। पहले से तरीके से आप निकाल लेना है और ये अदरक है, इसे भी हल्का सा इसे छील लेना है। प्याज में सल्फर रहता है फ्रेंड, तो इसे लगाने से आपका बाल का ग्रोथ भी अच्छा होगा। आप हफ्ते में भी 2 बार लगाइए तो देखिएगा बाल का ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, आपको मिक्सी है तो मिक्सी में पीस लीजिए, मैं इस तरीके से निकाल लूँगी। इस तरीके से आपको निकाल लेना है। अब मैं रस भी देखूँगी, दिखाऊँगी आपको किस तरीके से निकलता है। देखिए गाइस ये हो गया है अदरक, अब प्याज है, प्याज को भी इस तरीके से निकालना है। प्याज करके दिखाती हूँ किस तरीके से निकलता है। देखिए इस तरीके से हो गया है, तो इसे मैं छान लेती हूँ। आप कपड़े की मदद से भी छान सकती हैं, तो मैं छन्नी से छान रही हूँ। देखिए गाइस इतना रस निकल गया है, तो स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है, इतना तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि लेंथ में नहीं लगाना है, सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है, तो इतना पूरा हो जाएगा। इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का डालना है, इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है। अब मैं लगा के दिखा रही हूँ इसे फिंगर से, मैं तो आप कॉटन से भी लगा सकती हैं, तो मैं फिंगर से लगा रही हूँ इस तरीके से। स्कैल्प पे लगाना है, आपको लेंथ पे नहीं लगाना है, क्योंकि स्कैल्प से बाल झड़ता है, तो उन्हें पे लगाना है, लेंथ पे नहीं लगाना है। अब जहाँ जहाँ आपका बाल टूट गया है, तो वहाँ ज़्यादा लगाइएगा और अच्छी तरीके से फिंगर से मसाज करिएगा। पहले आप पूरे स्कैल्प पे लगा लीजिएगा, पहले स्कैल्प पे पूरे अच्छी तरीके से लगा लीजिएगा और उसके बाद मसाज करिएगा। जहाँ जहाँ बाल टूट गया, झड़ गया, जहाँ छूटना हो गया है, तो वहाँ ज़्यादा लगाइएगा और फिंगर से मसाज करिएगा। आपको फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।